अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिज़नेस पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फवाद अली खान। जैसा कि आपको मालूम है, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो गर्मियों के लिए एक ज़बरदस्त कारोबार लेकर हाजिर हुए हैं। ये 15 साल का बच्चा जो है वो ये कारोबार कर रहा है, तो इससे पूछते हैं ये इसने कैसे स्टार्ट किया, ये कब से शुरू हुए कर रहा है और क्या सारी मालूम इनसे लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल उम्र है। अच्छा, आपकी 15 साल उम्र है। आप ये काम, ये आइसक्रीम बेचने वाला कब से कर रहे हैं? मेरा आज से 2-1 महीने हो गए। 2 महीनों से आप ये काम कर रहे हैं। तो जब ये आप ये काम नहीं करते थे, उससे पहले मतलब आप क्या काम करते थे? ये मैं बाइक का काम करता था पहले। मोटरसाइकिल का काम करते थे आप? अच्छा, तो अब आप स्कूल वगैरह नहीं जाते? नहीं, अब स्कूल की छुट्टियाँ हैं इसलिए हम स्कूल नहीं जाते। अब वैसे आप जाते हैं स्कूल? पढ़ते हैं? वैसे हम जाते हैं। ट्यूशन पढ़ते हैं आप? जी, पहले पढ़ता था पर अब नहीं पढ़ता हूँ। अभी तो छुट्टियाँ हैं। तो अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में आप घर से बाहर निकले हुए हैं, तो आप मतलब डेली का जो है वो कितना कमा लेते हैं? किधर 500 कमा लेते हैं, किधर 1000 कमा लेते हैं। अच्छा, तो मतलब किस दिन सही काम चल जाए तो फिर कितना तक, मतलब कोरोना ना हो, रश हो, फिर 3000 रुपये तक बचत आपको हो जाती है, 3000 तक। और ये मशीन लेने का क्या प्रोसेस है, आपने मशीन कैसे ली? ये हमें कंपनी की तरफ से मिली है। अच्छा, आपको कंपनी की तरफ से मिली। इसके पहले आपने कितने पैसे दिए थे या क्या? इसके पहले हमने 3000 रुपये उसको दिए थे। बस 3000 रुपये आपको मशीन मिल गई थी। कितने दिन में मशीन आपको मिल गई थी? दूसरे दिन हमको, अगले दिन मशीन ये मिल गई थी। अच्छा, मशीन आपको मिल गई थी। तो अभी आप सुबह से निकले हुए हैं या क्या, मतलब अभी निकले हैं घर से? कितने बजे तक आप ये काम? जी, मैं हम लोग शाम तक ये काम करते हैं। शाम बजे तक आप काम करते हैं। तो आगे, आप कल से रमज़ान स्टार्ट है, तो रमज़ान में आपकी क्या रूटीन रहेगी, कैसे काम करेंगे, काम करते हैं? 3 रमज़ान तक तो हमारी छुट्टियाँ होंगी, फिर सहरी के बाद हम काम करेंगे। ये अफ्तार के बाद? अफ्तार के बाद आप ये काम करेंगे। तो आप बताएं कौन कौन सी आपके पास आइसक्रीम है? मेरे पास कितने कितने वाली है? 20 वाली है, 100 वाली है और 130 वाली है। मेरे पास ये 60 वाली है। मतलब सारी वो आइसक्रीमें जो आपके पास पड़ी हुई हैं? जी, ठीक है। और अब एक आइसक्रीम में आपको कितने प्रॉफिट हो जाता है, सिर्फ एक आइसक्रीम में? 60 वाली बात करें, जो 60 वाली आप बेच रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है? 15 रुपये हमें प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट। डेली की आप कितनी आइसक्रीमें बेच लेते हैं यहाँ पर? 2000-3000 रुपये की बेच देते हैं। 2000-3000 रुपये, मतलब अगर काम अच्छा चले तो फिर 3000 आपका मतलब इसमें बचत भी हो जाती है अगर अच्छा काम चले तो। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि ये जो बच्चा है ये तकरीबन डेली का 3000 रुपये, अगर सीज़न अच्छे लगे तो 3000 रुपये कमा लेता है। तो आप भी इस करना चाहें, काम स्टार्ट करना चाहें, तो अपनी किसी भी करीबी एजेंसी में जाएं, उनको अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर दें और क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो शिनाख्ती कार्ड नंबर के अलावा? ये शिनाख्ती कार्ड नंबर और शिनाख्ती कार्ड की एक कॉपी लेते हैं और 3000 रुपये लेते हैं और आपको ये मशीन वो ये कर देते हैं। तो मशीन आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगी, आपको वो कंपनी आइसक्रीमें भी देगी, सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करेगी, बस आपने ये निकलना है, उनको भेजना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। उतना तक रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए बिज़नेस पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।